गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन मैथ्स क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, रेशनल नंबर सी। आज हम उसके आगे 9.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये चार ही क्वेश्चन सबके पास, वो भी रेशनल नंबर सी। सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई सभी बातें आप लोग आते हैं। अभी बात करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन की रेशनल नंबर के अंदर, कि जब रेशनल नंबर्स के अंदर नंबर्स आ जाए उनको हम ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करते हैं। ध्यान रहे, मैंने आपको रूल्स लिखाए हुए हैं, कुछ चार रूल्स एडिशन के लिखाए हुए हैं और चार रूल आपको मल्टीप्लाई के लिखाए हुए हैं, कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। वो सभी रूल्स जो बताए हुए हैं वो यहाँ पे फॉलो होंगे, वो रूल्स हमेशा फॉलो होंगे, चाहे वो रेशनल नंबर्स में आ जाए, चाहे डेसिमल में आ जाए, चाहे नेचुरल नंबर में आ जाए, किसी में भी आ जाए, रूल्स आपको हमेशा ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि किसी बच्चे के पास वो याद नहीं है, लिखे हुए नहीं है, तो सबसे पहले रूल्स को याद कीजिए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। और लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट देख, ध्यान से ब्रैकेट में दिया हुआ है, सबसे पहला था ब्रैकेट को ओपन करना, 5/4। अब ब्रैकेट जैसे ओपन करूंगा, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, 11/4। अब 5/4 माइनस 11/4, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम जो नीचे वाले का 4 और 4, दोनों का एलसीएम 4 ही आएगा। आप इसका एलसीएम बड़ा भी ले सकते हो, 16 भी ले सकते हो, ठीक है, 8 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, लेकिन सबसे छोटा एलसीएम 4। एलसीएम में आपको आता है सब, वैसे ये छोटी संख्या है और अभी आ जाएगी, बड़ी संख्या आती है एक दो बार ऐसे ट्राई कर लेना, बाद में आप लोग परफेक्ट हो जाओगे। अभी 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 4 में यह 4 आता है 1 टाइम, 11 को 1 से मल्टीप्लाई। सो लीजिए, 5 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 4। अब सो लीजिए, 5 में से 11 को माइनस कीजिए, 5 प्लस का है, 11 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका आता है, जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन आता है, तो दोनों बड़ा कौन है, माइनस का 11, साइन तो माइनस का आएगा, 11 में से 5 जाएगा, 6/4। आपका आंसर आ चुका है, लेकिन ध्यान रहे ये संख्या कट रही है, रिड्यूस हो रही है, तो आप इसको काट के रिड्यूस कर सकते हो, 2 से कट रही है, 2 3 6, 2 2 4, ये आपका फाइनल आंसर है, -3/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन तो वैसा ही है, बस ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है, मिक्स के अंदर है, तो सबसे पहले इसको सिंपल में करेंगे। सिंपल में कैसे करेंगे, 3 2 6, इसको इंटू करते हैं, 3 2 6 ओवर 7/3 प्लस 4 5 20 और 3 23/5। अब बताइए 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 5 और 3 का एलसीएम होता है क्या, 15, कितना एलसीएम होता है, 15। 3 के टेबल में 15 आते हैं 5 टाइम, जितने भी टाइम आते हो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 15 आता है 3 टाइम, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब सोच लीजिए, 7 5 35 प्लस का प्लस 23 3 69 अपॉन 50। वापस से ध्यान दीजिए, प्लस की संख्या माइनस की संख्या, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, संख्या तो माइनस होगी, साइन किसका आएगा, जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी प्लस की है, साइन प्लस का आएगा,
तो 69 से 35 माइनस कर दिया, सो इट प्लस का आएगा 34 अपॉन 50। ये कट दिया, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में करना था तो कर सकते हो, कंपल्सरी नहीं है। 15 टू जा 30 रह गया 4 अपॉन 50, 2 लाइक 4 बाय 50, ये इसका आंसर है। तो दो क्वेश्चन हमने एडिशन के कर लिए हैं रेस्टर नंबर्स के। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें लिखा फाइंड। अब फाइंड के अंदर क्या था, वो एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, हम इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन को 5 बाय 63 माइनस ब्रैकेट माइनस 6 बाय 20 करते हैं। सॉल्व, पहले ब्रैकेट ओपन करो, बेटा ब्रैकेट जैसे खोलूंगा मैं तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया 6 बाय 20। अब देखिए आप अच्छे से समझना, वापस से भाई इन दोनों का एलसीएम 63 और 21, इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा 63। आप लोगों को याद नहीं है, निकालना सीधा नहीं आता, तो आप सोच करके इसे निकाल लेना कि एलसीएम क्या आएगा। तो दोनों का एलसीएम आएगा 63। तो 63 में 63 क्या था, 1/9, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का प्लस। 21 में 63 आता है 3 times, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां लिखेंगे सोल्व करके, 5 बनता 5 प्लस 6 बनता 18, 18 और 5 23 अपॉन 60। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल है, आप लोग सॉल्व कर लोगे। बस ध्यान रखना जो रूल्स बनाए हुए हैं साइन के, प्लस माइनस माइनस प्लस, वो सारे रूल्स आपको रिमाइंड दिमाग में होने चाहिए, उन्हीं के बेस पर हम सॉल्व करेंगे। अभी सेकंड का सेकंड हो गया, अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे सेकंड का फाइव। देखिए मिक्स में है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 19 अपॉन 9 माइनस 6 अपॉन 1, इन दोनों का एलसीएम आएगा 9। 9 के टेबल में 9 कितने में आता है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 में 9 आता है 1 में 9 आता है 9 times, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 6 9 जा 54 अपॉन 9, जोड़ दीजिए को माइनस का 73 अपॉन 9, यह आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको मिक्स में कर सकते हो, 9 8 जा 72 1 अपॉन 9। ये बेटा क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट हो गए आज एक्सरसाइज 9.2 का। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 9.2 है उससे पहले के जो एग्जांपल्स है वो अच्छे से समझने हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। 1 में भी 4-5 क्वेश्चन है और सेकेंड वाले में 3-4 क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, सबसे पहले फिर से कह रहा हूं वो रूल्स याद करना, उसके बाद भी क्वेश्चन सोल्व करने के ट्राई करना। यदि कोई इश्यू होता है, कोई दिक्कत आपकी आंसर नहीं मैच करता है, तो मुझे आप लोग सेंड कर सकते हो या नीचे जो आपका चैनल के अंदर कमेंट बॉक्स है वहां दे सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।